हाय एवरीवन, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहली तो आप सभी लोगों को हैप्पी दशहरा। आप सब लोग बहुत खुश रहें और मज़े करते रहें, इन्जॉय करते रहें लाइफ में। और चाहिए ही क्या यार, इन्जॉय तो करना चाहिए। आजकल लोग इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। एंड मुझे लगा कि बहुत टाइम हो गया है मैंने कुछ वीडियो पोस्ट नहीं करी है, सो मैंने सोचा कि आज वीडियो शूट कर ली जाए। सो आज एक्चुअली नो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाई है। पहले तो आप सभी लोगों को देखने के लिए कि आप सभी लोग करते क्या हैं, राइट? लाइक वाइक कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो यार, कोई करता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, नहीं जिसको नहीं पसंद है वो ना करे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग है कि आज मैंने दशहरा है तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा मेकअप कर दिया जाए, तो आज मैंने बहुत लाइट मेकअप किया है और मुझे मेकअप करना पसंद नहीं है क्योंकि इंस्टाग्राम के फिल्टर ही बहुत सुंदर सुंदर है। आई रियली लव टू यूज़ द इंस्टाग्राम फिल्टर्स। सो उसमें ऑलरेडी आप ब्राइट फील करते हो, यू नो, आप कहीं कहीं आपकी लिपस्टिक भी ऑलरेडी उन्होंने यू नो एक ऐसा फीचर बना देते हैं तो लिपस्टिक भी उसमें हो जाती है। तो यूजुअली आई डोंट वेयर मेकअप, सो आज मैंने बहुत लाइट मेकअप किया है। आप जैसे देख सकते हैं, आई यूज टू वेयर मेकअप ओनली यू नो ऑन द आईज एंड द लिप्स। सो बस यही दो चीज़ों के लिए मैं बहुत पसंद करती हूँ अपने आप को, तो बस यही है। सो बहुत लाइट मेकअप किया है, आप देख सकते हैं, बहुत लाइट आई शेडो भी लगाया है मैंने, बहुत लाइट है, एंड द लाइनर एंड द लिपस्टिक। सो या दिस इज मी। एंड आज मैंने थोड़ा एथनिक वियर किया है एंड आई लव टू वियर साड़ीज एंड ऑल दैट, बट मौका नहीं मिलता इतना। मौका मिलेगा तो जरूर मैं साड़ी की वीडियो भी पोस्ट करूंगी। सो आप लोग सभी लोगों को कैसी लगी वीडियो, प्लीज कमेंट करना यार। कोई कमेंट ही नहीं करता यार, कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को। शेयर तो आप क्या ही करेंगे, लाइक ही नहीं करते हैं आप। चलिए जो भी है, सो हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। हंसते रहिए, मजे करते रहिए, लाइफ में मज़ा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो मैंने अपने कुछ दोस्तों से सीखा है कि लाइफ बहुत छोटी होती है, बहुत तेज चलती है, तो यू डोंट हैव टू सीक फॉर एनीबॉडी, यू डोंट हैव टू लुक फॉर एनीबॉडी। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट गो फॉर इट, इन्जॉय करना है लाइफ को। पता नहीं यार, सच बताऊं तो हमारे रिलेटिव्स में भी यू नो 25-27 एज के काफ़ी लोगों की डेथ हो गई है, लाइक हम लोग, मतलब हमारी एज के ही हैं वो लोग। सो आई थिंक डेथ इज अनसर्टेन एंड आपको भी नहीं पता कि नेक्स्ट डे क्या होना है, आई थिंक नेक्स्ट 4 आवर्स में क्या होने वाला है, नहीं पता किसी को। सो आई थिंक सब लोगों को इन्जॉय करना बहुत पसंद है, लाइफ तो यार चलती रहती है, राइट? तो वेस्ट करना इज लाइक, वेस्ट तो हम कर ही रहे हैं, हमने कुछ उखाड़ तो नहीं लिया है, तो उखाड़ते भी रहें साथ साथ में, मज़े भी करते रहें साथ साथ में, राइट? और दिस इज़ माय यू नो पर्सनल ओपिनियन अबाउट लाइफ एंड यू नो लुकिंग फॉर द थिंग्स। सो मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ, आई डोंट हर्ट पीपल, आई डोंट नो थिंक अबाउट एनीथिंग। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या करता है। जिनको फॉलो करना होता है वो फॉलो कर लेते हैं, जिनको मैं पसंद हूँ वो मुझसे कमेंट कर देते हैं, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ स्टॉक करते हैं, सिर्फ स्टॉक करते हैं, दे डोंट यूज टू क्लिक दैट लाइक और कॉमेंट बटन। सो आई थिंक मुझे लगता है कि इट्स ओके, लेट देम बी, बिकॉज दिस इज हाउ दे आर। एंड या एनी वेज, लोगों के बारे में बात करना तो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि
क्योंकि दे गिव यू एक्सपीरियंसेस राइट. अगर उनके व्यूज नहीं पता चलेंगे तो हम अपने आप में कैसे यू नो अपग्रेड करेंगे अपने आप को. सो यही है. आई थिंक वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी बन गई है, शॉर्ट में कर नहीं पाऊंगी. तो आई थिंक अब बाय करना चाहिए आप लोगों को. सो कीप स्माइलिंग एंड कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग ऑन माय पोस्ट, माय रील्स. आई रियली नीड योर सपोर्ट राइट. सो या बाय बाय, सी यू, हैप्पी दशहरा वंस अगेन.